Welcome to my YouTube channel, Come On Classes. Subscribe with bell icon for new notification of video and like and share. Today's our topic is ecosystem. तो आज हमारा ecosystem का topic है जिसमें हम देखेंगे उसके definition को, type of ecosystem देखेंगे, component of ecosystem देखेंगे, function of ecosystem देखेंगे, सारी चीज़ों को हम देखेंगे और समझेंगे कि क्या होती है इकोसिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम। सबसे पहले हम जान लें कि इकोसिस्टम टर्म को क्वाइन कौन किसने किया है, टेंसले ने क्वाइन किया है इकोसिस्टम टर्म को। और अकॉर्डिंग टू टेंसले, इकोसिस्टम इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इकोसिस्टम एक सिंबल है स्ट्रक्चर और फंक्शन नेचर का, मतलब प्रकृति का ये सिंबल है, निशानी है किसका, स्ट्रक्चर और फंक्शन का, उसकी संरचना और उसकी कार्य की। और जो हम लोग एक और टर्म समझ लेते हैं, इकोलॉजी ऑफ फादर। फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, आप लोग सभी जानते होंगे, आप लोग को याद भी होगी, यदि याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। फादर ऑफ इकोलॉजी हैं ईपी ऑडम। ऑडम को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम इकोलॉजी के डेफिनेशन को समझते हैं, पहले हम एक वर्ड में इसे कह सकते हैं कि टोटल लिविंग फैक्टर, टोटल लिविंग फैक्टर्स बायोटिक एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर एबायोटिक ऑफ एनवायरनमेंट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर एरिया, इसको इकोसिस्टम। एक पर्टिकुलर एरिया में एक बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब प्रोड्यूसर, जैसे प्लांट, ये प्लांट हो गए, प्लांट या कंज्यूमर, उसके बाद ये सब जो हो गया एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया, और ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया यानी लिविंग बींग्स हो गए। और जो दूसरे हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, मिनरल्स, ये सब जो हैं वे एबायोटिक कंपोनेंट हो गए। तो एक एनवायरनमेंट में ये दोनों प्रेजेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट प्लस बायोटिक कंपोनेंट, तो इसे हम कहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है, तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तब हम इसके डेफिनेशन से भी हम अच्छे से समझ लेंगे कि इकोसिस्टम क्या है। ए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर और सेगमेंट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स एंड दे फिजिकल इन्वायरमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन दैम। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, किसकी, बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर आते हैं, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर एटमॉस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर एंड द लिथोस्फीयर, तो ये तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो इकोसिस्टम का ही होता है। तो और क्या है, सेगमेंट ऑफ नेचर जैसे रिवर का इकोसिस्टम हुआ, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम हुआ, जो एक कंसिस्ट करता है, वहाँ पे एक लिविंग बींग्स जो कंसिस्ट करता है, उसके बीच जो इकोसिस्टम होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच जो इंटरेक्शन होता है, किसके लिए, फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल दैम, उन दोनों के बीच जो एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल होता है, इसी चीज़ को हम इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब एक सिस्टम के तहत सारा काम होता है, जैसे प्रोड्यूसर के बाद प्रोड्यूसर ने खाना बनाया अपने लिए, उसके बाद फिर वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं तो प्रोड्यूसर हो गए, तो वो प्रोड्यूसर का जो बना हुआ, जैसे प्रोड्यूसर प्लांट हो गया, प्रोड्यूसर के फूड के बना हुआ को हम कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, ये फर्स्ट कंज्यूमर हो गया, फिर दूसरा कंज्यूमर इसको, फर्स्ट कंज्यूमर हर्बीवोरस हो सकते हैं, फिर सेकेंड कंज्यूमर इसका वो यूज़ कर रहे हैं तो ये कार्निवोरस हो सकते हैं। तो ये इस तरह का जो एक सिस्टम चल रहा है, फिर यही डिकम्पोजर की मदद से, फिर ये डिकम्पोज होकर फिर यहाँ प्लांट में यूज़ होते हैं, तो ये जो सिस्टम चल रहा है ये इकोसिस्टम हो गया। ये इसमें स्ट्रक्चर का भी हो रहा है, इसमें फंक्शन भी काम कर रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स इन बायोस्फीयर में हो रहे हैं, कोई सेगमेंट ऑफ नेचर में हो रहा है, तो ये हो गया एक इकोसिस्टम। तो हम देखते हैं नेचर ऑफ यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दो तरह के होते हैं, मेनली एक नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम मतलब
जो नेचुरली नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं वो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं। इसमें दो तरह के हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। लैंड जो हो गया वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, जो लैंड में एग्जिस्टिंग कर रहे हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, जैसे फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, ट्री, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और दूसरे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम वो हैं जो एक्वेटिक होते हैं, मतलब जो वाटर। तो इसमें भी दो तरह के होते हैं एक्वेटिक सिस्टम, दो तरह के होते हैं, मैराइन वाटर इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इज कॉल्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलके नेचुरल इकोसिस्टम बनाते हैं। तो मैराइन में ओशियन का है सी, जो मैराइन वाटर सिस्टम में आ जाते हैं। और दूसरा है फ्रेश वाटर में आते हैं दो, एक अटलांटिक और एक लोटिक। अटलांटिक इकोसिस्टम जो स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो जिसके जो जिसका जो वाटर जो जिसका जो वाटर है वो स्थिर है, मतलब स्टॉपेबल है वो, मतलब कि वो मतलब रनिंग वाटर नहीं है, तो इसे हम कहते हैं स्टैग्नेंट वाटर, स्थिर वाटर, जो स्थिर है। जैसे लैक, लैक हो गया, पॉन्ड हो गया, झील, झील, तालाब, ये सब में स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर होते हैं। लोटिक वाटर जो हो गया रनिंग फ्रेश वाटर, जो रिवर, जो रिवर जो एकदम बहता हुआ पानी है वो रिवर जो हो गया वो अटलांटिक हो गया, लोटिक हो गया रनिंग फ्रेश वाटर हो गया। तो लोटिक से हम समझ सकते हैं लोटिक जो लोटते हुए जाता है, जैसे रिवर हो गया या लोटिक हो गया। आपको इससे याद रहेगा कि लोटिक क्या है, लोटिक याद हो जाने से अटलांटिक खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो लोटिक और अटलांटिक समझ में आ गया, ये फ्रेश वाटर है। अब हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखते हैं, जो मैन मेड है, जो मनुष्य के द्वारा निर्मित इकोसिस्टम, जैसे क्रॉप लैंड, ग्रास गार्डन। क्रॉप लैंड मतलब क्रॉप फील्ड, जो कृषि जहाँ पे होता है वो एक क्रॉप फील्ड हो गया, तो वो क्रॉप फील्ड हो गया। ग्रास गार्डन जो हम लोग खुद गार्डन तैयार करते हैं घर में, तो वो हो गया गार्डन। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ लैक का स्पेलिंग ई की जगह पे ऐसा होगा, वो मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब दूसरा देखते हैं साइज ऑफ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम, ये ओशियन और सी, और ओशियन और सी को मेगा इकोसिस्टम कहते हैं। एक विशालतम इकोसिस्टम, सबसे बड़ी इकोसिस्टम होती है मेगा इकोसिस्टम। फिर मैक्रो इकोसिस्टम, जो थोड़ी छोटी होती है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मैक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। माइक्रो इकोसिस्टम मतलब जो छोटा होता है, माइक्रो इकोसिस्टम जो सूक्ष्म लेवल पे होता है, तो पॉन्ड हो जाता है माइक्रो इकोसिस्टम। और नैनो जो बहुत ही छोटी होती है, जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर को हम माइक्रो इकोसिस्टम कह सकते, नैनो इकोसिस्टम कह सकते हैं। एक दो बातें हम जान लेते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है वो लार्जर भी हो सकता है, स्मॉलर भी हो सकता है। लार्ज भी हो सकती है, स्मॉल भी इकोसिस्टम हो सकती है। जैसे सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर को हम स्मॉल इकोसिस्टम कह सकते हैं। और इकोसिस्टम जो है टेम्प्रोरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो हम इकोसिस्टम को हम परमानेंट एंड टेम्प्रोरी कहते हैं। इकोसिस्टम जो होती है सेल्फ रेगुलेटरी होती है, वो खुद अपने आप को रेगुलेट करती है। तो इकोसिस्टम जो खुद रेगुलेट करती है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है हमारे एनवायरनमेंट को चलाने में। तो हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके दो मतलब कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक। ए बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें बायो जियो केमिकल्स जो साइकिल होते हैं, मिनरल साइकिल जिसे कहते हैं, मिनरल साइकिल में जैसे फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ये सब जो हैं। और फिर एबायोटिक में जैसे लाइट्स, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सब जो आ जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाते हैं। और दूसरे हैं बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है फॉर्म्स बाय लिविंग थिंग्स, जो किससे फॉर्म्स होता है, लिविंग थिंग्स से फॉर्मेशन होता है। जैसे प्लांट यानी प्रोड्यूसर, एनिमल यानी कंज्यूमर, माइक्रोब्स यानी डिकम्पोजर। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं फॉर इकोसिस्टम। तो हम पहले देखते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ऑल द ऑटोट्रॉप्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। दे प्रिपेयर देयर फूड ओन फूड। प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिस्टर। प्लांट्स को हम ट्रांजिस्टर और कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये सोलर एनर्जी की मदद से, यानी कि सोलर एनर्जी की मदद से, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर, मतलब फोटोसिंथेसिस की मदद से ये सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। ये जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में।
केमिकल एनर्जी मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, इसकी किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से। तो इसे हम कहते हैं फोटो यानी कि कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो प्रोसेस प्रोड्यूसर एक जो हो गया ऑटोट्रॉप्स हो गया, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या प्रोड्यूसर कहते हैं। तो दूसरा है कंज्यूमर। इसके पहले हम देख ले प्रोड्यूसर कुछ और भी होते हैं, केमिको ऑटोट्रॉप्स जो अपना भोजन केमिकल की मदद से बनाते हैं, केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं, उसे केमिको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंकटन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर्ड फूड देयर ओन। अब हम देखते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होते हैं ऑल द हेटरोट्रॉप्स ऑफ द इकोसिस्टम्स आर नॉन एज कंज्यूमर। जितने भी हेटरोट्रॉप्स हैं उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। दे डायरेक्टली हर्बीवोरस, ये डायरेक्टली वोरस होते हैं, इनडायरेक्टली कार्निवोरस होते हैं, डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर प्लांट। ये किस पर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर फॉर किसके लिए, फूड्स के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर, मतलब प्रोड्यूसर पर। तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सारे कंज्यूमर होते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर इज सच लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑप्टेन फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये जो डायरेक्टली फूड ऑप्टेन करते हैं प्रोड्यूसर से, इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्लांट्स से ये डायरेक्टली अपना फूड लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि जो सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल इन द सेल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड विच इज़ द ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट। ये जो मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, जो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को छोटे छोटे भागों में सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम कैसे इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर फॉर डाइजेशन के लिए। तो हर्बीवोरस ऑफ इकोसिस्टम, जो हर्बीवोरस के अंदर का जो इकोसिस्टम होता है, जैसे गाँव में जो जुगाली करते हैं, तो उसको जुगाली करने के बार बार उसको चबाना पड़ता है, तो ये जो एक उसके अंदर का जो इकोसिस्टम है उसके कारण से सेकेंडरी प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे ग्रेजिंग कैटल, रैबिट्स, ये सभी जो हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी कहलाते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं। अब सेकेंड है दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर। एनिमल विच फीड अपॉन प्राइमरी कंज्यूमर, ये जो है फीड किसे कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को, अपने फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं। और जो इसके और दोज कार्निवोरस विच किल एंड ईट द हर्बीवोरस, और दोज कार्निवोरस जो किल करके उसे ईट करते हैं हर्बीवोरस को, इसे हम प्रीडेटर कहते हैं। डॉग, स्नेक, जो जैसे मेंढक को स्नेक खा लिया वो तो एक प्रीडेटर हो गया, स्नेक यहाँ पे, तो ये हो गया प्रीडेटर। यहाँ पे माइक्रो कंज्यूमर, डिकम्पोजर और सैप्रोट्रॉप्स। माइक्रो कंज्यूमर का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर मतलब जो डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स भी। दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड बॉडी, ये किसे करते हैं डिकम्पोज डेड बॉडी को, ऑफ प्रोड्यूस एंड कंज्यूम आर नॉन एज डिकम्पोजर और रिड्यूसर और ट्रांसफॉर्मर। जो ये डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं प्रोड्यूस करते हैं क्या, कंज्यूमर्स आर नॉन एज डिकम्पोजर, यानी कि डेड बॉडी को कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में, तो डिकम्पोजर यूज़ होता है यहाँ पे, तो ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, रिड्यूसर कहलाते हैं, ट्रांसफॉर्मर भी कहलाते हैं, ऑस्मोट्रॉप्स भी कहलाते हैं। तो फंगी को और बैक्टीरिया को हम कह सकते हैं डिकम्पोजर, ट्रांसफॉर्मर, ऑस्मोट्रॉप्स, ये सभी चीज़ टर्म्स हम सो डिफाइन कर सकते हैं। और जो डिकम्पोजर होता है बहुत ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं मिनरल साइकिल्स वही जो बायोजियो केमिकल साइकिल, नाइट्रोजन वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, ये सब जो साइकिल होते हैं वो मिनरल साइकिल कहलाते हैं। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के बाद हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम इस फिगर को समझने के बाद पूरे इकोसिस्टम को आप समझ जाइएगा पूरे यानी इस फिगर से। सनलाइट जो एक एनर्जी सोर्सेस है हमारे इकोसिस्टम का, सनलाइट्स की मदद से जो इकोसिस्टम जो बनता है, ये सिस्टम, इसमें कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे बायोटिक कंपोनेंट है प्रोड्यूसर,
कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। हमने देखा प्रोड्यूसर जो प्लांट है, कंज्यूमर जो हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस हो सकते हैं, उसको डिकम्पोज, जैसे डेड मटेरियल को यहाँ पे डिकम्पोज कर कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसी मिनरल्स को यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसे कंज्यूमर यूज़ करते हैं, फिर उसे डिकम्पोज किया जाता है, फिर प्रोड्यूसर, ये एक साइकिल चलते रहता है। जो साइकिल चल रहा है ये इकोसिस्टम की मदद से चल रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो अब हम देखते हैं दूसरा कि इसमें टाइप्स कितने होते हैं इकोसिस्टम्स के। एक्वेटिक इकोसिस्टम हमने देखा था और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखा था। जो लैंड में इकोसिस्टम होता है, जो वाटर में इकोसिस्टम होता है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे मैराइन, जैसे जो साल्ट कंटेनिंग होता है, मैराइन होता है, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, जो स्वीट्स वाटर होता है, मतलब जो मीठे जल का पानी कहा जाता है, तो मैराइन में ओशियन आते हैं, ईस्चुरी सी कोस्टर आते हैं। इस ओशियन तो आप समझ ही रहे हैं कि सागर को कहा जाता है। ईस्चुरीज मतलब आप में से जानते होंगे, से नहीं भी जानते होंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईस्चुरीज जो होते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर को हम ईस्चुरीज कहते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन होता है, फिश का प्रोडक्शन ही हर चीज़ का वहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, किसी भी फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर से। अब दूसरा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर स्प्रिंग। पॉन्ड लेक्स किस में आता था? पॉन्ड लेक्स आपको याद होगा कि स्टैगनेंट वाटर में होता था, इसलिए उसे लैंटिक इकोसिस्टम कहते थे। और लोटिक मतलब रिवर जो लौटते हुए रहता था, जो रनिंग करते हुए रहता था, तो रिवर और स्प्रिंग जो होता है वो लोटिक में आता है। तो अब दूसरा हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल, जो लैंड है, जो नेचुरल होता है वो, और एक मैनमेड होता है वो, यानी कि नेचुरल इकोसिस्टम में टुंड्रा आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं, डेजर्ट आते हैं, ये सब जो नेचुरल है। अब मैनमेड जो क्रॉप फील्ड हो गया और गार्डन हो गया, तो ये सब मैनमेड हो गया। ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, ये टोटल इस फिगर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम क्या है। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। देयर आर टू बेसिक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो बेसिक फंक्शन हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल, जिसे हम मिनरल साइकिल्स भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बायो जियो केमिकल साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल हो गया, ये एबायोटिक कंपोनेंट भी आते हैं, फास्फोरस साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया, बहुत सारे साइकिल होते हैं। इसमें चार तरह के मेनली साइकिल होते हैं। तो बायो जियो केमिकल जो एक साइकिल में काम करते हैं उसे मिनरल साइकिल्स कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं इकोसिस्टम में। और दूसरा है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो द स्टोरेज एंड द एक्सपेंडिचर, मतलब स्टोरेज करना, एक्सपेंडिचर मतलब यूज़ करना, ट्रांसफॉर्म करना, एक इनपुट से दूसरे इनपुट में, जो इनपुट आउटपुट करते रहना, मतलब ट्रांसफ़र करना, एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होना ऑफ एनर्जी इज़ बेस्ड ऑन द टू बेसिक लॉ। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होता है, किस बेसिस पर होता है? थर्मोडायनेमिक्स के दो लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स तो आप जान ही रहे हैं, जो एनर्जी को हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, उसको बस कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होती है, वो कन्वर्ट होती है एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो इसे हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, और सेकेंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो रैंडमनेस ऑफ एनर्जी है। तो इसे यदि आप इसको पूरे से यदि आप चाहते हैं कि मैं इसको पूरे अच्छे से समझा दूँ, एनर्जी फ्लो, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, तो यदि आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। इसके लिए तत्काल आज के लिए इतना ही हो गया। हमने अच्छे से समझ लिया कि इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के कितने टाइप्स हैं, इकोसिस्टम यानी कि क्या फंक्शनल रोल है, क्या स्ट्रक्चरल रोल है। इसमें हमने देख लिया इकोसिस्टम्स जो एक मेन चीज़ होता है, ये टोटल लिविंग फैक्टर्स इज बायोटिक एंड टोटल नॉन लिविंग फैक्टर एबायोटिक ऑफ इन्वायरमेंट प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो हमने इकोसिस्टम को समझ लिया, एकदम इकोसिस्टम अच्छे से आपको हमको लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा और हल्का सा टर्म्स है। इसलिए आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड कमेंट्स एंड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।